बेटा फर्स्ट बेच में टोटल बॉल कितनी है? एट। और कितनी निकालनी है? कौन सी? वाइट। तो 5c2/8c2। भाई 5 वाइट है, उसमें से 2 निकालनी है, तो 5c2/8c2। 5c2 की वैल्यू होती है 10 और 8c2 की वैल्यू होती है 28। ये हो गया p1। p2 दोनों ब्लैक, 3c2/3/28। P3 एक वाइट एक ब्लैक, मतलब 5c1/3c1, प्लस नहीं आता हमेशा, 2 निकाल रहा है, एक थोड़ी निकाल रहा है, अपॉन 8c2, 15/28। एक बार चेक करने के लिए तीनों का सम करके देख लीजिए, वन आ रहा है कि नहीं आ रहा। आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत है इसको। तो P1 10/28, P2 3/28, P3 15/28। ये तो E1 E2 E3 आ गए। अब बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, और इसको मैं फिगर से समझा देता हूं आपको। भाई हमने करा क्या, आप फिगर भी बना सकते हैं इसका, कि जैसे ये फर्स्ट बेग है, इस तरह से बना रहे तो क्लियर रहेगा आपको। सेकेंड बेग यहां पर कितनी बॉल थी? 5 वाइट थी, 3 ब्लैक थी, टोटल 8। आपने 2 बॉल यहां से यहां डाली, यहां कितनी थी? 3 वाइट थी, 5 ब्लैक, तो टोटल हो गई 8 + 2 = 10। यहां से निकालना क्या है? 1 ब्लैक। ये इसका फिगर। अब इसको बनाने का क्या फायदा हुआ समझना। PA/E1 दिखता रहेगा हमें, ये 2 वाइट यहां डाली, तो वाइट यहां डाली तो वाइट कितनी हो गई? 5। दो वाइट यहां डाली तो वाइट कितनी हो गई? 5। ब्लैक भी कितनी है? एक एक निकालो, बोलो, कोई दिक्कत? ऐसे दिखेगा आपको, इसलिए फिगर बनाने के बोल। 2 वाइट यहां डाली आपने पहले केस में, तो 5 वाइट हो गई, 5 ब्लैक हो गई, एक एक निकाल। 5c1 की वैल्यू 5, 5c1 की वैल्यू 5 और 10c2 की वैल्यू 45। कैंसिल मत करना, बस यही छोड़ना है, कैंसिल मत करना, सिंप्लीफाई नहीं करना है कभी। PA/E2 2 ब्लैक डाली भाई, तो ब्लैक कितनी हो गई? 7। वाइट कितनी रह गई? 3। एक एक निकालनी अपॉन 10c2, कितना आ गया? 21/44। PA/E3 एक वाइट एक ब्लैक, तो 4 और 6 हो गई, तो कितना हो गया? 4 × 6/24/45। लिख लो यहां, ये हमारा PA/E1 आ गया, A/E2 आ गया और A/E3 आ गया। PA/E1, A/E2, A/E3। और मुझे निकालना है 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, मतलब कॉमन इवेंट निकालना है मुझे।
one white and one black. बेटा फ्रॉम सेकेंड बेड, तो आप फर्स्ट से कुछ भी ट्रांसफर करो, सेकेंड से ये निकालना है. तो ये आया देखो P1 मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय P2 प्लस P3 मल्टीप्लाइड बाय P3. P1 की क्या आ रही थी वैल्यू? 5 बाई 8 नहीं 10 बाई 20 इंटू 25 बाई 45 प्लस 3 बाई 28 इंटू 21 बाई 45 प्लस इंटू 24 बाई 45. नीचे एलसीएम आपका 28 इंटू 45 आ गया 250 63 और 360 तो ये हो गया 673 और 28 इंटू 45 करके देखो कितना आ रहा. मुझे याद आ रहा 1260 आना चाहिए, देखना ऐसा कुछ याद आ रहा है. 1260 चलिए ये आंसर. तो ये है भाई टोटल प्रोबेबिलिटी. इस तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम करेंगे. पहले क्या काम करना है हमें, पहला काम वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसको, E1 E2 E3 जो भी है, और कॉमन इवेंट, बस ये दो चीज का ध्यान रखना है हमें और उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. लिख लिया ऑनलाइन, कॉपी हो गया. नेक्स्ट लिखो. A person has undertaken a construction job. A person has undertaken a construction job. The probabilities are the probabilities are 0.65 that there will be a strike. There will be a strike. That the construction job will be completed on time. Will be completed on time if there is a strike. If there is no strike. And 0.32. And 0.32 that the construction job will be completed on time
will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that construction job will be completed on time. Construction job will be completed on time. क्या हो रहा है भाई? पहला क्या बोल रहा है? E1 और E2, यस, स्ट्राइक हो रही है या स्ट्राइक नहीं हो रही? E1 स्ट्राइक, बी E2 नो स्ट्राइक. चाहे स्ट्राइक हो रही हो चाहे स्ट्राइक नहीं हो रही हो, कॉमन इवेंट है, जो भी इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम. चाहे स्ट्राइक हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, आपका जॉब सही टाइम पर कंप्लीट हो रही. P1 स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 0.65 0.35. अब ध्यान से देखना भाई, जब स्ट्राइक हो रही है तब आपका कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, स्ट्राइक हो रही है जब 0.32, और जब स्ट्राइक नहीं हो रही है तब 0.80. नाउ पी कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम. P1 multiplied by PA by E1 plus P2 multiplied by PA by E2. P1 0.65 into 0.32, 0.35 into 0.80. इसको करोगे तो मुझे तो याद है 0.2080 और ये 0.2800, आंसर आ गया 0.488G. ये इसकी प्रोबेबिलिटी 0.488G. दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. कंस्ट्रक्शन जॉब के टाइम पर कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए. चलिए 5 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट कर लो, 5 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लो.